मुस्लिम विवाहों और अदालतों द्वारा अलग अलग निर्णयों से जुड़े दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि एक मुस्लिम लड़की जो 18 वर्ष से कम उम्र की है और यौवन प्राप्त कर चुकी है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए कोर्ट ने सर दिनेश फरदुंजी मुल्ला की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ से अनुच्छेद 195 का हवाला दिया है। हाईकोर्ट ने महसूस किया कि युवावस्था की आयु प्राप्त करने पर मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए आजाद है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह की क्षमता के बारे में बताते हुए मुल्ला की पुस्तक में अनुच्छेद 195 कहता है, परिपक्व दिमाग वाला हर मुस्लिम जिसने यौवन प्राप्त कर लिया वो विवाह का अनुबंध कर सकता है। ऐसे नाबालिग जिन्होंने यौवन प्राप्त नहीं किया उनके अभिभावकों द्वारा विवाह में वैध रूप से अनुबंधित किया जा सकता है। किताब के अनुसार 15 साल की उम्र पूरा होने पर सबूतों के अभाव में यौवन को पूरा मान लिया जाता है। न्यायमूर्ति अलका सरीन ने आदेश पंजाब के मुस्लिम दंपत्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने एक 36 वर्षीय व्यक्ति और एक 17 साल की लड़की ने 21 जनवरी 2021 को मुस्लिम संस्कारों और समारोह के अनुसार अपनी शादी की घोषणा की थी। उन दोनों की पहली शादी थी। उन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा और अपने रिश्तेदारों से स्वतंत्रता के लिए दिशा निर्देश मांगे थे जो रिश्ते के खिलाफ। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मुस्लिम कानून में यौवन और बहुमत एक ही है। एक अनुमान है कि एक व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में बहुमत प्राप्त करता है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि एक मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की जो युवावस्था प्राप्त कर चुकी है वो किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र है। अभिभावक को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उनका जीवन और स्वतंत्रता उनके रिश्तेदारों की वजह से खतरे में है। उन्होंने इसकी रक्षा के लिए मोहाली SSP से गुजारिश की है। उनकी बातों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने देखा कि मुस्लिम लड़की मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित है केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं ने अपने परिवार के सदस्यों की इच्छाओं के खिलाफ शादी कर ली है। वे संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं हो सकते। हाईकोर्ट ने उनका बचाव किया और मोहाली SSP को उनके जीवन की सुरक्षा के बारे में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।